जय माताजी। मित्रों, आप सर्वेनु अमारी यूट्यूब चैनल गुज्जू वार्ता एंड कथा में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज ना वीडियो में आप भगवानी पूजा में कमरनु शू महत्व है तो एना विषय की एक झांखी करिए। भगवान पूजन अर्चन करवामा कंकु, अक्षत, अबीर, गुलाल, धूप, दीप, पुष्प वगैरह विशेष महत्व है। देवी देवताओं ने विविध प्रकार पुष्प अर्पण करवामा आवे छे, जेम के गुलाब, मोगरो, गलगोटो, कमल वगैरह तमाम फूलों में पण कमल देवी देवताओं की पूजा में महत्वनु मनाय छे। कमल सत्यम शिवम सुंदरम नु प्रतीक छे। भगवान पण सत्य, शिव अने सुंदर स्वरूप छे, तेथी भगवानना विविध अंगों ने कमलनी उपमा अपाय छे, जेम के कमल नयन, कमल नेत्र, चरण कमल, कर कमल अने हृदय कमल वगैरह। अपना शास्त्रों ने प्राचीन साहित्य में पण कमलनी घणी स्तुतिओ छे। शिल्प साहित्य जेवी कलाओ पण कमल अने तेना विविध अंगों थी सुशोभित छे। संपत्तिनी देवी लक्ष्मी कमलना आसन पर बिराजे छे तथा तेमना हाथ में पण कमल पुष्प होय छे। सूर्योदय वक्त कमल खीले छे अने सूर्यास्त समय ते बीड़ाई जाए छे। एवी ज रीते ज्ञान प्रकाश में आपणो मन उन्नत थाय छे। कमल कादो में उगे छे अने विकसे छे, ते कादो में पण स्वच्छ अने सुघड रहे छे। आ बाबत आपणे शीखवे छे कि आपणे पण कमळनी जेम बधी ज परिस्थिति में सुंदर अने शुद्ध रहेवू जोईए। हमेशा पाणी में रहेवा छतां कमळनुं पांदळुं कदी भींजातुं नथी। दुःख अने अस्थिरताथी सभर दुनिया में अविचलित रहेनार ज्ञाननुं प्रतीक छे। आपणा शरीरमां सात चक्रो आवेला छे। आ दरेक चक्र अमुक संख्यानी पांखड़ीवाळा कमळ साथे सरखावायेला छे। हजार पांखड़ीओवाळुं सहस्त्र चक्र माथा उपर आवेलुं छे। યોગીને જ્યારે સાક્ષાત્કાર થાય છે ત્યારે તે ખુલે છે। આ સિવાય ધ્યાનમાં બેસનાર સાધકને પદ્માસનમાં બેસવાનું જણાવાયું છે। ભગવાન વિષ્ણુની નાભિમાંથી કમળની ઉત્પત્તિ થઈ, જેમાંથી બ્રહ્માજી ઉત્પન્ન થયા અને તેમણે સૃષ્ટિની રચના કરી, તેથી કમળ સૃષ્ટિ અને તેના સર્જકને સાંકળતી કડી છે। વળી તે બ્રહ્માના નિવાસસ્થાન બ્રહ્મલોકનું પણ પ્રતીક છે। એવું પણ માનવામાં આવે છે કે સ્વસ્તિકનું શુભ ચિહ્ન કમળમાંથી ઉત્પન્ન થયું છે। તો આપ પણ ભગવાનની પૂજામાં કમળનો ઉપયોગ કરશો અને આપની તમામ પૂજા અને મનોકામના સિદ્ધ થાય અને સાર્થક થાય એવી જ અભ્યર્થના સાથે જય માતાજી।